हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आईओसीएल पाइपलाइन से ऑयल चोरी का दूसरा आरोपी गिरफ्तार। रोहिणा थाना अंतर्गत भुजेला से निकलने वाली OICL की पाइपलाइन में वाल लगाकर क्रूड ऑयल चोरी के मामले में रोहिणा पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। IOCL की पाइपलाइन में वाल लगाकर क्रूड ऑयल चोरी के मामले में पुलिस ने दूसरी सफलता हासिल की है। पुलिस ने दो दिन पूर्व एक आरोपी को खाकरबाड़ा से गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस उप अधीक्षक पिंडवाड़ा किशोर सिंह चौहान जांच कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार सिरोही पुलिस अधीक्षक हिमंत अभिलाष टाक के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिलन कुमार जोहिया के सुपरविजन में भारत सरकार के उपक्रम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की पाइपलाइन में वाल लगाकर क्रूड ऑयल चोरी करने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस उपाधीक्षक पिंडवाड़ा किशोर सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित टीम के RPS प्रोबेशनर सुदर्शन पालीवाल, थाना अधिकारी हनवंत सिंह भाटी, ASI अशोक सिंह, कांस्टेबल पुखराज व शंकरलाल ने भुजेला से निकलने वाली IOCL कंपनी की पाइपलाइन पर वाल लगाकर क्रूड ऑयल चोरी के प्रयास करने में शामिल जोधपुर बाकलिया निवासी राम निवास पुत्र सोहन लाल परिहार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने OICL की पाइपलाइन में वाल लगाकर चोरी करने के प्रयास करने के मामले को दो दिन पूर्व खाकरबाड़ा गोलिया निवासी बलराम उर्फ बलवंत जनवा जोधपुर को खाकरबाड़ा से गिरफ्तार किया है। जागरूक टीवी के लिए रोहिणा से खास रिपोर्ट।